ये जो अभी हम गाड़ी चला रहे हैं ये रोड नहीं है, ये है एक रनवे, पुराने जमाने का रनवे है ये, और ये मेन रनवे है जहाँ ब्रिटिश के जमाने में यानी अंग्रेज के जमाने में प्लेन चला करता था। ये गाड़ी आज रोड पे नहीं रनवे पे खड़ी है, ब्रिटिश के जमाने का ये कमाल का बना हुआ है और ये बहुत दूर में फैला हुआ है। ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा इलाका उधर का टावर ओवर जो भी है ना, मतलब ये ऐसे, ये सारा जो एयरपोर्ट का हिस्सा है वो भी अंग्रेज के जमाने का है ना कमाल का। हम और हमारी गाड़ी रोड पे नहीं है, ये रनवे है, रनवे। तो चलिए आपको दिखाते हैं फुल वीडियो इसका, चलाते हैं गाड़ी। चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको सबिया हवाई अड्डा, हथुआ सबिया हवाई अड्डा। कुछ ही दिन में ये फंक्शनल भी हो जाएगा, चलने लगेगी यहाँ पे फ्लाइट, लेकिन उसके पहले अंग्रेज का बना हुआ। आओ देखो, जितना भी जमीन हुआ हवाई अड्डा की जो अस्तित्व में गिराई, ये सारा मतलब हवाई अड्डे का ही है टोटल। सबिया इतना बड़ा कहाँ हवाई अड्डा, सब तो गाँव सब हवाई अड्डा में बसा हुआ है, जब अस्तित्व में गिरी गिरा है सब बड़का बिल्डिंग हुआ तो महंगे ये सभी सभी पिलर पिलर है ना उसमें मार्किंग का है। अच्छा जो है ना हवाई अड्डा का मेन जो है दिखाई देता है ना, इसका रनवे भी है, अभी भी रनवे भी है। कहाँ है रनवे? उधर भी चलेंगे क्या? भी चलेंगे, देखते मजा आएगा। बिहार का सबसे पुराना हवाई अड्डा अंग्रेज के जमाने का। हम लोग रनवे की तलाश कर रहे हैं कि रनवे है कहाँ, है ना? रनवे मिल जाएगा ना? अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं रनवे की तरफ, मेन रनवे। लगभग 1 किलोमीटर दूर गाड़ी चलाने के बाद वो मेन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो चलिए हम आपको मतलब पूरा विजिट करवाएंगे सबिया हवाई अड्डा जो गोपालगंज का है। गोपालगंज से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। पिकनिक मनाओ, घूमो फिरो, जो करना है करो, बड़ा ही खुला है, पिक्चर भी उतना ही शानदार आप खींच सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए यहाँ से हम लोग अब कट ले रहे हैं, हवाई अड्डा के अंदर अपनी गाड़ी इन कर गई है। ये सब रनवे का हिस्सा है, बट ये मेन रनवे नहीं है। मेन रनवे पे भी चलेंगे, लेकिन अभी भी आप जो देख रहे हो ये रनवे ही है। और तो देखिए ये रनवे है, देखिए यहाँ देखिए ना सामने ये रनवे है। अच्छा देखिए आप लोग घूमने भी आए हुए हैं, तब पूरा शूटिंग करने आए हैं। कुछ अच्छा चीज लाए तो इधर दिखला दिया, उससे अच्छा तब जो अस्तित्व में जिंदगी जी रहा है अभी खत्म है, देख रहे ना मांग हो रहा है। यहाँ का लोकेशन ही इतना खूबसूरत है कि लोग शूट करवा रहे थे, शायद किसी भोजपुरी मूवी की शूटिंग भी चल रही थी। ट्राइपॉड, कैमरा, बाकी जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं, भोजपुरी मूवी बनाने में या गाना बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, तो वो सब चल रहा था। यहाँ से हम लोग सोचे कि मेन रनवे पे पहले चले जाएँ या एक बार घूम के आए, तो फाइनल डिसाइड ये हुआ कि एक बार घूम के आते हैं इस रनवे को। हम गए पता ही था सही रनवे था, हम गए रनवे था। हाँ उस समय ऐसा सीन मिला, बादल रहे, हवा रहे, तो पैदल कहीं भी आगे मेन रनवे है, ऐसे पैदल चलने मजा। रनवे की पहली फ्लाइट ये भैंस हमारा। तो चलिए अब साइड के रनवे को छोड़ते हैं और आते हैं मेन रनवे पे। जैसे ही हम लोगों ने राइट टर्न लिया और वहां से एक छोटा सा और राइट टर्न लिया, अब ये जो आ गए हम लोग वो है मेन रनवे। उस समय यहाँ पे अंग्रेज के ज़माने में अंग्रेज तो आते ही थे, जवाहरलाल नेहरू और ऐसे भी कई सारे लोग
इस समय, क्योंकि बहुत समय तक फंक्शनल रहा ना, तो आने जाना करते। तो मेन रनवे पे ड्राइव के बाद हम लोग मुड़ गए यहाँ से, जो ऑफिस उस समय का टर्मिनल जो होता था ना, उस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। टर्मिनल के अंदर का हाल दिखाएंगे, देख के बड़ा अच्छा लगेगा। एक बार देखिए आप तो, गजब किए हुए है यार वहाँ, तो एकदम गंद मचा के रखे हुए। ये टर्मिनल है, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ बना हुआ है। एक एक चीज दिखाएंगे आपको बारीकी से। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये अंग्रेज के जमाने का जो एयरपोर्ट है उसका मेन हेडक्वार्टर, मेन कंट्रोल यूनिट है। सारा कुछ उसी समय, उस समय यहीं से होता था। अभी की तरह हाईफाई नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और एंटिक। ये जो है, ये तो प्लास्टर है नहीं, सुर्खी में बना हुआ है, और इसके ऊपर आई थिंक अलकतरा डाला हुआ है कुछ। चलिए, तो एयरपोर्ट के टर्मिनल का हाल आप थोड़ा सा देख लीजिए। गाय भैंस बांधने के काम में आता है, और साफ सुथरा तो अल्टीमेट लेवल का है, उसका तो कोई हिसाब ही किताब नहीं है। एक भी दरवाज़ा नहीं छोड़ा गया है, एक भी चौखट किसी में नहीं है। ये देख लो आप, सब तोड़ वोड़ के उखाड़ पुखाड़ के लेके गए हैं। बकरी भैंस ये सब आराम से रिलैक्स करता है इसके यहाँ पे। साथ चारों तरफ गोबर फैला हुआ है, टूटी हुई सीढ़ी, टूटा हुआ दरवाज़ा। ये दरवाज़ा क्यों टूटा है? क्योंकि इन लोगों को चौखट लेके जाना था, ईंट नहीं ले जाना था, चौखट लेके जाना था, और इन्होंने पूरा तोड़ फोड़ मचा के रख दिया है। मतलब कोई अगर देखने भी आए रिलैक्स भी। ये इसी तरह का एक एयरपोर्ट झारखंड के जामतारा में है, लेकिन इतना खूबसूरत है, इतनी साफ सफाई है कि आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। इस सीढ़ी से हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे गए। फर्स्ट फ्लोर का हाल ये है। यहाँ पे लगता है एक चौखट बचा हुआ है क्या? हाँ, एक तो बचा हुआ है, हो सकता है काम का ना हो, लोहे का हो सकता है, इसलिए ही बचा हो। इस तरह का छत था। छत और भी तरह का है, डिज़ाइन है, वो भी हम दिखाएंगे। और यहाँ पे पता चला कि यहाँ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी आया करते थे। कितने बार यहाँ से लुका था इंदिरा गांधी, सब जवाहरलाल नेहरू आते थे पहले यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से एयरपोर्ट से। तो ये मेन बिल्डिंग, यहाँ से वो जो लाइन देख रहे हो आप रास्ता, वो रास्ता जा रहा है मेन रनवे की तरफ, और वहीं से फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करती थी। तो हम लोग अभी हैं उसी के टर्मिनल पे। चारों तरफ आप देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारा है। आइए उतरते हुए भी कुछ दिखाते हैं। यहाँ से उतरने के बाद हम लोगों ने मैंने सोचा कि यार कुछ तो होना चाहिए, लोग यहाँ बाथरूम कहाँ जाते होंगे। तो मिला क्या? तो ये मिला। तो ये है उस समय का, उस ज़माने का बाथरूम। बाथरूम जाने का काम यहाँ पे होता था। इधर से भी आप निकल सकते हैं वैसे, बट हम लोग आगे से निकले। और यहाँ देखो, यहाँ गाय भैंस का जो है वो है। इधर से हम लोग बाहर निकले, और बाहर चारों तरफ से निकलने का रास्ता इसमें बना हुआ था, जैसे नॉर्मल टर्मिनल होता है वैसे पहले के ज़माने का था। पूरा टूटा फूटा है, कहीं कुछ है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपको वहाँ पे बात यूरिनल था, और यहाँ पे पॉटी की व्यवस्था है। एकदम नज़दीक से देख लो, यहाँ पे भी सीट था। और इतना ही नहीं, इसके निकलने के लिए ये लकड़ी आप देख रहे, सब उखाड़ के लेके जाया गया है। ये लकड़ियाँ नहीं है, लाइन सिर्फ पड़े हैं, लकड़ी नहीं है, लकड़ी गायब है। उधर लकड़ियाँ बची है, वो भी नहीं रहेगा कुछ समय के बाद, और इधर के लकड़ी उखाड़े जा चुके हैं। अच्छा, उधर से जो टॉयलेट बाथरूम का था, जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो यहाँ से ड्रेन होता था, और ड्रेन होके ही ये जाता था इस जगह पे। तो अच्छी खासी जो है ना टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप कर रखी थी। अब सोचे कि जब इतना आप लोगों को घुमा ही दिए हैं, तो थोड़ा सा क्यों छोड़ा जाए। तो चलिए आप लोगों को हैंगर भी दिखाते हैं, जहाँ पे फ्लाइट रुकता है उसको हैंगर कहते हैं ना, जहाँ पे दो चार फ्लाइट आ गया तो वो जहाँ पे रेस्ट करता है, पार्किंग एरिया फ्लाइट का। तो वो हैंगर भी आपको दिखाते हैं। तो अब हम लोग जिस जगह पे आए हैं, ये मेन रनवे पे आ गए अब, ठीक है। और मेन रनवे पे आके अब ये जो साइड का इलाका दिख रहा है ना, ये वाला,
ये सब हैंगर है, पहले फ्लाइट के लिए, पहला प्लेन जो भी उतरेगा उसके लिए, उसके बगल में वो वाला जो है वो दूसरे के लिए, उधर तीसरे के लिए, तो ऐसे करके एक एक के लिए बना हुआ है। उस समय तो छोटा छोटा होता था ना फ्लाइट, अभी एयर बस की तरह तो बड़ा बड़ा होता नहीं है, उस समय छोटा छोटा, तो इस ये एक है, उधर दो है, तीन है, चार है, ऐसे करके हैंगर बने हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ से फिर हम लोग मेन रनवे को, फिर हम लोग ने मेन रनवे पकड़ लिया और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं कहाँ के लिए, तो हथवा महाराज का जो खंडहर है उसको देखने के लिए। होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सबौर का सभ्या का सभ्या एयरपोर्ट। और हम लोग अभी जो लैंड उड़ रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, ये सारा सभ्या एयरपोर्ट का हिस्सा है। देखिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।